विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत में अपीलार्थी के विरुद्ध न्याय दृष्टांत का उचित रूप से संदर्भ लेते हुए उभय पक्ष के मध्य व्यवहार प्रकृति का विवाद होना पाया है। फुल स्टॉप। उक्त आदेश विधि सम्मत कौमा औचित्यपूर्ण तथ्यों के अनुरूप पारित किया गया है कौमा जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार दर्शित नहीं होता है। फुल स्टॉप। अतः विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 21 अप्रैल 2015 की पुष्टि की जाती है तथा पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका प्रमाण के अभाव में निरस्त की जाती है। फुल स्टॉप। पैरा। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 7 एवं 13 सह पठित धारा 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 30 दिसंबर 2013 की पूर्व से नायब तहसीलदार न्यायालय में सहायक ग्रेड 3 जो कि लोक सेवक का पद है कौमा पर पदस्थ रहते हुए प्रार्थी व अन्य के नाम से खरीदी गई कृषि भूमि के नामांतरण कराने के एवज में अपने पदीय कर्तव्य के दौरान वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण के रूप में 3000 रुपए की मांग की एवं दिनांक 30 जनवरी 2013 को प्रार्थी एवं अभियोगी से वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण की राशि रुपए 2000 प्राप्त किए तथा लोक सेवक के पद पर पदस्थ रहते हुए भ्रष्ट या अवैध साधनों से
अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दिनांक 20 जनवरी 2013 को अभियोगी से 2000 रुपए स्वयं के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न राशि प्राप्त कर आपराधिक अवचार का अपराध कारित किया। फुल स्टॉप। पैरा आवेदक की ओर से यह तर्क किया गया है कि यह उसका प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र है, कॉमा इसके अतिरिक्त अन्य कोई आवेदन माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के समक्ष ना तो लंबित है और ना ही निराकृत किया गया है। फुल स्टॉप। वह दिनांक 4 जनवरी 2017 से न्यायिक निरोध में है, कौमा वह निर्दोष है, कौमा उसे प्रकरण में मिथ्या आलिप्त किया गया है। फुल स्टॉप। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। फुल स्टॉप। अभियुक्त शिवपुरी जिले का स्थायी निवासी है। फुल स्टॉप। उसके भागने एवं फरार होने की कोई संभावना नहीं है। फुल स्टॉप। अभियुक्त अन्वेषण में पूर्ण सहयोग करेगा तथा अभियोजन साक्षियों को प्रभावित भी नहीं करेगा। फुल स्टॉप। वह जमानत की शर्तों का पूरी तरह से पालन करेगा। फुल स्टॉप। अभियुक्त ने अपने आवेदन के समर्थन में अपने भाई सुनील सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। फुल स्टॉप। पैरा किसी प्रकरण में यदि कोई साक्ष्य अपीलार्थी की ओर से पेश किया गया है और उस साक्ष्य पर किसी भी अभियोजन साक्षी के द्वारा कोई विरोध नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीश उस मामले में गंभीरता से विचार विमर्श करेगा और तब अपने अंतिम निर्णय को अभिलिखित करेगा। फुल स्टॉप। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा माननीय सर्वोच्च
न्यायालय की